देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है यस मैम। ठीक है देखो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे गुड मॉर्निंग ज्योति गुड मॉर्निंग मैम लास्ट हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया था बीपी ठीक है बीपी का सारा डिस्कशन कर लिया था बीपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन एनालिसिस ठीक है और इसमें और एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ा था दैट इज कैश ब्रेक इवन पॉइंट कैश बीपी ठीक है ये वाला भी कम्प्लीट किया था अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ेंगे ठीक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेक्स्ट जो फॉर्मूला है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी ठीक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पहले और एक छोटा सा पॉइंट था वो करना चाहिए ठीक है है उसके बाद ही करेंगे पर, और एक पॉइंट मल्टी मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिस ये वाला बाकी रह गया है मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिस ठीक है ये कब जरूरत होता है देखो हम लोग ब्रेक इवन तो समझ चुके हैं अब मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन मतलब है अगर कोई मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा तो इसमें डिफिकल्टीज क्या आता है सपोज मान लो को, कोई ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह का प्रोडक्ट बन रहा है ठीक है एक्स एंड वाई ठीक है और एक्स एंड वाई का हम लोग सेल्स यूनिट लिख लेते हैं सेल्स यूनिट है सपोज फोर यूनिट और थ्री यूनिट मतलब थ्री यूनिट फोर यूनिट एक्स बन रहा है और थ्री यूनिट जो है वाई ये सेल हो रहा है ठीक है सेल इतना इतना यूनिट हो रहा है अच्छा कंट्रीब्यूशन सपोज दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सपोज है फोर्टी एंड

वो इक्वल है हम लोग के कंट्रीब्यूशन के बराबर तो हम लोग कैसे फॉर्मूला लिखते थे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लास्ट दिन मैंने सारा डिटेल्स में समझाया ताकि फॉर्मूला तुम लोग को ज्यादा रटना ना पड़े ये देखो बीपी इन यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो अब, अब हम लोग क्या करें कॉस्ट मान लो एक्स प्रोडक्ट का हम लोग निकालना चाहते बीपी तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर हम लोग निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो गिवन है है ठीक अगर गिवन नहीं भी होगा तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके या फिर प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करके तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे सिक्स लाख सिक्स थाउजेंड फिर जब वाई का निकालेंगे फिर से वही लिखना पड़ेगा सिक्स लैसटीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई थर्टी तो ये तो रॉन्ग है फिक्स्ड कॉस्ट लाख

कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन ठीक है क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कंट्रीब्यूशन दोनों का मिला के कितना है तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर तुम लोग बोल सकते हो कि कंट्रीब्यूशन तो कॉम्पोजिट इतना हो गया फोर्टी प्लस थर्टी यानी सेवेंटी बट ये नहीं चलेगा ठीक है कंट्रीब्यूशन को ऐसे निकालना अलाउड नहीं किया है हालांकि ये भी कॉम्पोजिट ही है फोर्टी प्लस थर्टी टोटल ऑफ सेवेंटी ये भी कॉम्पोजिट ही है लेकिन यहां पर करना पड़ता है, है? ठीक ये rules है कि हम लोग निकालेंगे, ये कि निकालेंगे। निकालने का तरीका नहीं चलेगा मतलब simple add करने से नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा वेटेड कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि टोटल सेल में कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है तो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऐसे हो जाएगा कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट ए ठीक है कैसे कैलकुलेट होगा ए का पहले हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है एक यूनिट पे चार सॉरी एक एक यूनिट बेचने पे फोर्टी रुपीज का कंट्रीब्यूशन है तो चार यूनिट बेचने पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा ये सोचो वेटेज कर रहे हैं ना कि अगर एक यूनिट बेचने पे हम लोग का फोर्टी का कंट्रीब्यूशन है तो चार यूनिट बेचने पे टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा फोर इन ये होगा कि 160 ठीक है 160 सिक्सटी कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन निकालना चाह रहे टोटल सेल कितना है एक्स और वाई मिला के टोटल सेल कितना है सेवन ठीक है सेवन तो यहाँ पर क्या हो गया वेटेड किस चीज का हो रहा है वेटेज ऐसे हो रहा है कि टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल सेल में एक्स का क्या पोर्शन है ठीक है तो यहाँ पर एवरेज कर दे रहे बेसिकली एवरेज कर दे रहे टोटल सेल यूनिट यहाँ पर टोटल सेल यूनिट निकाल रहे हैं कितना सेवन ठीक है आउट ऑफ सेवन अगर फोर यूनिट एक्स बिक रहा है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फोर बाई ये देखो 4 by 7, जो रेशियो होता है ना उस तरह से कि टोटल सेवन यूनिट हम लोग अगर बेच रहे हैं उसमें से एक चार यूनिट बेच रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन ऐसे होता फोर बाई सेवन ठीक है उसमें फोर बाई सेवन में ठीक है इसमें इंटू फोर बाई सेवन इंटू फोर्टी कंट्रीब्यूशन मतलब ये हो गया आ, ये इसको एक्सप्लेनेशन क्या करे ये हो गया टोटल सेल ठीक है टोटल सेल में आ, एक्सेस सेल एक्स का कितना सेल है ठीक है एक्स का कितना सेल है और फिर इस सेल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा ठीक है इनटू फोर्टी इनटू फोर्टी इस तरह से ये कंसेप्ट में होगा इसको एवरेज वेटेड एवरेज की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं अब इसका कैलकुलेशन करने से कुछ तो आएगा लेकिन शायद पॉइंट में आएगा देख लेते हैं वन डिवाइडेड बाई सेवन कर लो ट्वेंटी इस तरह से हम लोग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट बी निकालेंगे तो पहले देखेंगे कि दोनों प्रोडक्ट टोटल कितना सेल हो रहा है ये एक यूनिट का अब इन टू कंट्रीब्यूशन कितना है एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन थर्टी है ठीक है तो ये हो जाएगा थर्टी इंटू थ्री डिवाइडेड बाई सेवन ये भी पॉइंट में आ रहा है ट्वेल्व पॉइंट एट सिक्स लगभग 12.86 अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन इस तरह से निकालना है डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं अब टोटल करो 22.86 प्लस 12.86 गुड मॉर्निंग प्रिया अच्छा ये कितना हो रहा है दोनों का टोटल करने से

35.72 फाइव पॉइंट सेवन यही बोला ना 35.72 यही वाला आंसर होगा ना थर्टी अच्छा अब कॉम्पोजिट बी निकालेंगे निकाल लेंगे कॉम्पोजिट बी निकालो थ यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो पता ही था इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था सिक्स लैख सिक्सटीन थाउजेंड कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन थर्टी फाइव पॉइंट सेवन टू डिड कर लो जितना आ रहा है उतना ही सेवनटीन टू फोर्टी फाइव ठीक है 17, 17, ये हो गया answer, तो ये जस्ट मैंने के एक एग्जांपल लिया अगर कभी भी मोर देन वन प्रोडक्ट का आ जाएगा तो हमें इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कंसेप्ट क्या हो गया क्यों ऐसा कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्स्ट तो ये कि हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट दो बार नहीं ले ले सकते कि इंडिविजुअली कर ले ठीक है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो अपोर्शन करना पड़ेगा फिर वैसे तो नहीं होगा यहाँ पर तो हम लोग क्या निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे दोनों का ही कंट्रीब्यूशन टोटल टो, करेंगे तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन लिखने से नहीं होगा 40 प्लस 30 70 नहीं ठीक है ये एक यूनिट बेचने का कंट्रीब्यूशन है जबकि एक चार यूनिट बिकता है तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाता है 160 14 4, देखो ऊपर दिख रहा होगा वन इस टोटल कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट सेल के लिए है हम लोग एवरेज कर रहे हैं देखो वन कंट्रीब्यूशन हो रहा है टोटल सात यूनिट सेल के हिसाब से हम लोग दिखा रहे हैं तो एवरेज एक एक यूनिट

ये यूनिट आंसर आएगा ठीक है अच्छा ये ये तो कैलकुलेट हो गया अब हम लोग को निकालना पड़ेगा ये ये वाला कैलकुलेट हो गया टोटल इतना यूनिट सेवनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी फाइव टोटल हो गया अब इसमें ए का कितना है बी का कितना है वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ये टोटल बीपी निकल गया तो ए का बीपी कितना होगा ए का बीपी होगा टोटल बीपी सेवनटीन टू फोर्टी फाइव इंटू यही वाला प्रोपोर्शन फोर बाई सेवन जितना होगा उतना और बी का भी निकालना पड़ेगा बी का बीपी कितना हो जाएगा बी का बीपी हो जाएगा सेवनटीन टू फोर्टी फाइव इंटू थ्री बाई सेवन मतलब इंडिविजुअली कितना हो रहा है ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है ठेके? ये भी दे सकता है इंडिविजुअल बीपी निकाल के बताओ फिर ए और बी का कितना होगा तो सेवनटीन टू फोर्टी फाइव इंटू फोर बाई सेवन तो कितना आ रहा है देख लो नाइन एट फाइव फोर ऐसे आ रहा है ठीक है और ये वाला कितना आ जाएगा सेवनटीन टू फोर्टी फाइव इन टू थ्री डिवाइडेड बाई सेवन तो सेवन थ्री नाइन वन इतना आ रहा है ठीक है सेवन थ्री नाइन वन अप्रोक्स तो ये इंडिविजुअली हम लोगों ने निकाल लिया कि ए इतना यूनिट बेचना पड़ेगा बी इतना यूनिट बेचना पड़ेगा अगर हम लोगों को बीपी तक पहुंचना है तो ठीक है बीपी तक पहुंचना है तो इतना इतना, इतना यूनिट सेल करना पड़ेगा अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इस, इसके बाद हमारा बीपी का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ अब हम लोग पढ़ेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ठीक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अगर सिर्फ डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होता है Difference between actual sales and break even analysis, sorry, break even sales. ब्रेक इवन सेल्स ठीक है ब्रेक इवन सेल्स तो हम लोग को पता चल गया ब्रेक इवन सेल्स और एक्चुअल सेल्स के अंदर जो डिफरेंस होता है उसी हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकिन इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं ठीक है एग्जांपल देखो क्या है लास्ट दिन मैंने एक एग्जांपल दिया भी था ब्रेक इवन सेल्स बताने के लिए वही वाला एग्जांपल का एक पॉइंट ले लेते हैं जैसे ये वाला ये देखो ये नहीं एक मैंने ये वाला लिया था ना कि अगर तुम लोग को पॉकेट मनी मिल रहा है उस हिसाब से तो यही वाला एग्जाम्पल फिर से ले रहे हैं कोई भी एक मंथ का ले ले रहे ये वाला वाला ले ले रहे फेब फेब मंथ ठीक है तो देखो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था मान लो तुम लोगों को घर से दिया जाता है दस हजार रुपया जो मैंने एग्जाम्पल लास्ट क्लास लिया था वही हम ले रहे ठीक है दस हजार रुपया आ गया उसमें से मान लो वेरिएबल खर्चा कर दिया है पांच हजार बच्चा कितना पांच हजार रुपया और इससे फिक्स्ड कॉस्ट जो था पांच हजार ये पे कर दिया तो इसमें प्रॉफिट क्या हो गया जीरो है है ना प्रॉफिट कुछ भी नहीं बच रहा है। अगर दस घर से पांच हजार का वेरिएबल खर्चा कर लिया बचा हुआ पांच हजार से फिक्स्ड कॉस्ट पांच हजार था वही पे कर दिया तो प्रॉफिट बन गया जीरो ठीक है प्रॉफिट जीरो हो गया अब मान लो बाय चांस घर से किसी स्पेशल कॉज में मान लो तुम लोगों का कुछ सेलिब्रेशन वगैरह होगा कुछ भी होगा तो तुम लोग को घर से मान लो अचानक से और 5000 रुपिस मिल गया ठीक है कोई रीजन मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि 5000 आ जाए मान लो खुशी से 5000 और भी ज्यादा घर से आ गया तो 5000 रुपिस मिल गया और फिर से वेरिएबल खर्चा कर दिया तुम लोगों ने हज़ार रुपए का ठीक है बचा कितना चार हज़ार तो मान लो ये मंथ ऑफ ये मंथ ऑफ फेब है ठीक है ये मान लेते हैं मंथ ऑफ फेब 2022 का बात कर रहे ठीक है पिछले मंथ का ही मान लो ऐसा अगर हुआ तो बोलो क्या फिक्स्ड कॉस्ट और भी पे करना पड़ेगा पैसा आया तो और भी कुछ वेरिएबल खर्चा कर दिए फिक्स्ड कॉस्ट तो नील हो जाएगा यहाँ पर कुछ और पे नहीं करना पड़ेगा ठीक है अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगा तो ये चार हजार क्या हो गया बच गया ये चार हजार रुपया बच गया ये चार हजार रुपया क्या हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे ये जो चार हजार रुपया बच गया इसे हम लोग क्या बोलेंगे क्या इसे प्रॉफिट नहीं बोलेंगे यहाँ पर yes, इसे प्रॉफिट no. बोलेंगे लेकिन यहाँ पर इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे ये जो इससे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आएगा इसका नाम क्या होता है इसका नाम क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से क्या होता है कंट्रीब्यूशन तो ये भी क्या हो गया कंट्रीब्यूशन ये कंट्रीब्यूशन हुआ क्योंकि कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं था तो कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बराबर हो गया ठीक है तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान में देखना है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कब एस्टेब्लिश होता है जब कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या हो जाता है प्रॉफिट क्यों क्योंकि अगर इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में देखो मान लो दस हजार का सेल हुआ था ठीक है दस हजार का सेल हुआ पांच हजार का वेरिएबल कॉस्ट था पांच हजार कंट्रीब्यूशन था पांच हजार फिक्स कॉस्ट था प्रॉफिट जीरो यानी ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच गए ठीक है ये ब्रेक इवन सेल क्या ये दस हजार ब्रेक इवन सेल है कि नहीं बताओ अगर मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है अगर इसे सेल के तरह देखोगे क्या ये ब्रेक इवन सेल है कि नहीं है ब्रेक इवन सेल है ठीक है मान लो फेब के किसी एक पॉइंट पे ये ब्रेक इवन सेल हुआ ठीक है अब फेब अभी खत्म नहीं हुआ है तो सेल चालू है और मान लो पांच हजार का सेल हो गया तो सेल अगर बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी मान लेते थोड़ा बहुत और भी कुछ बढ़ गया तो इसके बाद मान लेते वेरिएबल कॉस्ट हजार हुआ तो ये चार जो बच गया ये कंट्रीब्यूशन लेकिन अब ये कंट्रीब्यूशन को क्या फिक्स कॉस्ट पे करने के लिए जरूरत है अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी पे कर चुके हैं क्या ये कंट्रीब्यूशन को यूज करना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट पे करने के लिए सोचो एक बार क्या इस कंट्रीब्यूशन का और फिक्स्ड कॉस्ट के लिए कोई जरूरत है? No, है. तो है तो ये इसका मतलब अगर हम लोग तो एक्चुअल ये है कितना हुआ? बता सकते हुआ? इस मंथ का एक्चुअल सेल्स कितना हुआ? अगर हम लोग इसको सेल पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो एक्चुअल सेल्स बताओ फिफ्टीन थाउजेंड 15,000 15,000 करेक्ट एक्चुअल सेल्स और बीपी सेल दस हजार ठीक है बीपी सेल दस हजार तो देखो यहाँ पर वही बोला है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स तो एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के अंदर का डिफरेंस कितना हो गया पांच हजार ठीक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे मार्जिन ऑफ

अच्छा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या क्या फॉर्मूला होता है देखो अब समझने में आसानी हो जाएगा तुम लोग खुद ही बता सकते हो क्या क्या फॉर्मूला होगा बहुत सारा फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पहला मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स तो यूनिट्स में क्या होगा बोलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है जैसे बीपी का मतलब क्या होता है कंट्रीब्यूशन का यूज क्या है बीपी के, के केस में फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना ठीक है यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ठीक है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब हम लोग का कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉफिट को रिकवर करने में काम आएगा ये कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट को रिकवर करने का काम आ रहा है जैसे बीपी में क्या था फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से ठीक है यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट को रिकवर करने मान लो ये हजार यूनिट का अगर सेल था ठीक है ये अगर हजार यूनिट सेल था हजार एट द रेट ऑफ मान लो ये कितना है दस है तो कितना होना चाहिए दस ठीक है हजार एट द रेट ऑफ फाइव तो ये पांच हो गया ठीक है कंट्रीब्यूशन हो गया पांच हजार बचा हुआ फिक्स्ड कॉस्ट बाकी प्रॉफिट अब ये मान लो अगर दस रुपए करके है तो ये कितना यूनिट सेल होगा पांच सौ एट द रेट ऑफ टेन तो पांच हजार हो गया ये हो गया पांच सो इन टू एट द रेट ऑफ नहीं ये थोड़ा सा अगर पांच करके ये, ये तो 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 हाँ तो लेकिन तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना ये यूनिट तो चेंज हो जाएगा यूनिट एक जैसा ही होना चाहिए अच्छा मैंने वेरिएबल कॉस्ट जैसा लिया है ना उस पे ये वाला फिर वेरिएबल कॉस्ट को पूरा मुझे चेंज करना पड़ेगा है ना तो ये हंड्रेड इंटू, इंटू टेन में तो हो जाएगा उसमें प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरा जितना यूनिट सेल होगा वेरिएबल कॉस्ट भी तो उतने यूनिट पे लगना चाहिए ना ट्वेंटी कर देते हैं तब होगा बीस हजार डिवाइडेड बाई पांच सौ दो रूप दो रूप हाँ टू करके हो जाएगा ठीक है हाँ ऐसे भी हो जाएगा लेकिन मुझे पांच सौ ही रखना पड़ेगा टू ठीक है ये कंट्रीब्यूशन हो गया अब हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग का फॉर्मूला सही हो रहा है कि नहीं तो प्रॉफिट कितना हुआ टोटल प्रॉफिट चार हजार ठीक है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हुआ यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो रहा है ये कितना हो जाएगा पांच सौ ये हो गया आठ रुपया करके शायद एट द रेट ऑफ एट हाँ एट द रेट ऑफ एट करके हो रहा है तो यहाँ पर अः डिवाइड करो कितना होगा चार हजार रुपया टोटल प्रॉफिट है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया रुपया करके आ रहा है यहाँ पर ठीक है आठ रुपया करके आ रहा है क्योंकि पांच सौ यूनिट बेच रहे हैं ना हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग का कितना है पांच सौ यूनिट है तो पांच सौ पांच सौ यहाँ पर भी फाइव हंड्रेड करने के लिए एट द रेट ऑफ एट हो जाएगा एट इन फाइव हंड्रेड करके देखो ये वाला आ जाएगा तो डिवाइडेड बाई एट कर देते कंट्रीब्यूशन पर, पर यूनिट तो कितना हो जाएगा डिवाइड कर लो फोर डिवाइड 500 आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी 500 ये क्या आ गया यूनिट आ गया 500 यूनिट जो है वो हम लोगों का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्यों टोटल प्रॉफिट क्या है ओवरऑल प्रॉफिट तो चार हजार ही है ना ये देखो इसको अगर पूरा ऐड करके भी लिखते हैं हम लोग तो भी क्या हो जाएगा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर एड करके लिखोगे तो पंद्रह टोटल सेल वेरिएबल कॉस्ट हो गया छह ठीक है तो बच्चा कितना यहाँ पर नाइन ठीक है फिर यहाँ पर फिक्सड कॉस्ट लेस कर दो तो प्रॉफिट कितना हो गया चार ठीक है तो ये इस तरह से हो जाएगा ठीक है तो ये फॉर्मूला इस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग कि इन यूनिट में क्यों ऐसा हो रहा है अच्छा नेक्स्ट और एक फॉर्मूला देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू तो वैल्यू में कैसे निकालेंगे ये जो है ये तो यूनिट निकल रहा है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये यूनिट निकल रहा है इनटू क्या करने से वैल्यू आ जाएगा पांच हजार यूनिट में क्या करिए ताकि ये इनटू बोलो सेलिंग सेलिंग In. प्राइस प्राइस बोलना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक यूनिट का सेलिंग प्राइस इनटू करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू में मिल जाएगा ठीक है एक तो इससे कन्वर्जन हो गया और एक होता है और एक फॉर्मूला होगा और ये जो हम लोग का डेफिनेशन है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अगर हम लोग एक्चुअल सेल्स से ब्रेक इवन मतलब ये वाला, ये वाला देखो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इससे भी हमें मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू ठीक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू ये फॉर्मूला भी बन गया अच्छा नेक्स्ट और एक फॉर्मूला देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज अगर परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट अगर यूनिट यूज करके परसेंटेज निकालेंगे तो ऊपर अगर हम लोगों ने यूनिट लिखा है तो नीचे भी लिखना पड़ेगा यूनिट एक्चुअल सेल्स इन यूनिट ठीक है टोटल कितना यूनिट सेल हुआ उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट कितना है उसी से परसेंटेज निकल जाएगा ठीक है एक्चुअल सेल्स जितना यूनिट है अगर ये एग्जांपल में ही देखो तो एक्चुअल सेल कितना यूनिट हुआ है हजार और पांच सौ पंद्रह सो ठीक है पंद्रह सो उसमें पांच सौ यूनिट जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इंटू हंड्रेड करने पे जितना आएगा वही हो जाएगा परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई फिफ्टीन हंड्रेड इंटू हंड्रेड तो कुछ थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री आ रहा है इतना परसेंट हो जाएगा ठीक है अच्छा नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज ही निकालेंगे लेकिन वैल्यू में तो क्या हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऊपर लेना पड़ेगा इन वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स या टोटल सेल्स ये भी लेना पड़ेगा इन वैल्यू अगर ऊपर यूनिट अगर वैल्यू में है तो नीचे भी वैल्यू में ही लेना चाहिए ठीक है हम लोग अलग अलग से थोड़ी ना कर सकते हैं ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है ऊपर ले लेंगे पांच के और नीचे ले लेंगे नाइन सेकेंड तो कभी भी ये कुछ रेशियो बनेगा ही नहीं ठीक है ये तो रेशियो ही है इन परसेंटेज करने से वो परसेंटेज में आंसर देता है ठीक है तो अब देखो ये क्वेश्चन से ही देख सकते मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू कितना आया मार्जिन ऑफ सेफ्टी पंद्रह टोटल सेल्स सॉरी पांच हजार और ये पंद्रह हजार ये देखो यहां पर पांच हजार और ये पंद्रह हजार इंटू हंड्रेड वैसे परसेंटेज लेकिन दोनों केस में ही सेम आएगा चाहे वैल्यू में ले लो परसेंटेज के केस में क्या होगा अगर परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे यूजिंग यूनिट तो भी जो आंसर आएगा यूजिंग वैल्यू तो भी सेम आंसर आएगा क्योंकि परसेंटेज का कुछ यूनिट होता ही नहीं है क्योंकि मान लो यहाँ पर क्या है ये यूनिट है अगर ये किलो में भी होता है तो ये कैंसिल हो जाता है तो ये क्या होता है ना ये यूनिट फ्री मेजरमेंट है जब हम लोग कुछ किसी को डिवाइड करके इंटू हंड्रेड करते हैं जो परसेंटेज होता है ना वो यूनिट फ्री होता है उस पर कुछ यूनिट नहीं लिखा होता है दस परसेंट किलो दस परसेंट सेकेंड कुछ ऐसा कभी नहीं लिखा हुआ होगा अगर तुम लोग कभी ध्यान से देखो परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता है बिकॉज ये यूनिट फ्री है अब जैसे देखो ये रुपीस है ये रुपीस है दोनों कैंसिल हो गया ये यूनिट फ्री है रेशियो हमेशा यूनिट फ्री हो जाता है रेशियो सेम काइंड ऑफ चीजों का होता है और वो कैंसिल होके यूनिट फ्री हो जाता है इसीलिए ये सब यूनिट नहीं होता है इसीलिए देखो सेम आंसर हो रहा है हाँ अब ये दोनों मैंने फिर क्यों लिखवाया मान लो अगर क्वेश्चन में यूनिट दिया हुआ है तो यूनिट यूज करो अगर वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू यूज करो दोनों से ही सेम आंसर आएगा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये तो खुद में एक यूनिट फ्री मेजरमेंट है अच्छा फोर्थ नंबर और क्या फॉर्मूला हो सकता है और एक परसेंटेज में भी हो सकता है ठीक है और एक परसेंटेज में भी हो सकता है एमओ एस इन परसेंटेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन इन टू हंड्रेड चलो ये भी चेक करके देखो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है टोटल प्रॉफिट हो रहा है ये वाला फोर थाउजेंड अच्छा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है ये वाला नाइन थाउजेंड इंटू हंड्रेड तो फोर बाई नाइन ये आ रहा है फोर्टी फोर पॉइंट फोर फोर परसेंट ठीक है इसमें इस तरह से आंसर आएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इंटू हंड्रेड अच्छा और एक तरह से भी हो सकता है एमओएस परसेंटेज हंड्रेड माइनस जैसे कि मान लो सपोज ब्रेक इवन सेल्स है फोर्टी परसेंट तो एमओएस कितना हो जाएगा एमओएस हो जाएगा बताओ कितना होगा अगर ब्रेक इवन सेल क्वेश्चन में दे रखा है फोर्टी परसेंट मतलब इसका मतलब क्या होता है सेल्स हंड्रेड ठीक है ब्रेक इवन हाँ, 60, break -even sales 60, तो ड्रेड है ब्रेक इवेंटी है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑटोमेटिकली बाकी जो पॉइंट होता है वो हो जाएगा फोर्टी तो एम वो कैसे निकालेंगे हंड्रेड माइनस फोर्टी परसेंट ये भी तो हंड्रेड परसेंट है तो कितना हो जाएगा सिक्सटी ठीक है, हो जाएगा तो मार्जिन सेफ्टी का आंसर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत सारा फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया जहाँ पर जो जरूरत होगा वो यूज करना है लेकिन कुछ भी हमें ज्यादा रटने का ज़रूरत नहीं अगर समझ जाते हैं हम लोग की मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे बन रहा है तो हम लोग आसानी से ही कर सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या हो गया जब हम लोगों को इतना सेल हम लोगों ने कर लिया है कि फिक्स्ड कॉस्ट पे हो चुका है ठीक है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही पे होते जा रहा है तो उसमें क्या होगा हम लोगों का नो प्रॉफिट नो लॉस से हम लोग ये सिचुएशन में पहुंच चुके हैं ठीक है जहां पर हम लोग प्रॉफिट एक्वर कर सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस के बाद ही तो प्रॉफिट एक्वर होगा ये देखो लास्ट क्लास में मैंने ये पॉइंट लिखवा भी दिया था ये देखो बिफोर रीचिंग बीपी कंपनी इनकर्स लॉसेस आफ्टर रीचिंग बीपी कंपनी अर्न प्रॉफिट ये वाला सिचुएशन ठीक है तो नो प्रॉफिट नो लॉस की बात तो कंपनी को प्रॉफिट ही दिखेगा तो प्रॉफिट यहां पर एग्जाम्पल के हिसाब से था फोर थाउजेंड अच्छा अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं देखो यहां पर पहले वन और टू क्वेश्चन है लेकिन इसको बाद में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री से करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इलास्ट्रेशन थ्री उसके बाद फिर से कुछ अगर थियोरिटिकल और भी कुछ बाकी है जैसे angle of incidence, ये सब हम बता देंगे ठीक है। है? है तो पहले देखो question number three, क्या लिखा हुआ है? Question number three में लिखा हुआ हुआ में स्पोर्ट्स मेटीरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजेटेड डेटा फॉर द कमिंग ईयर सेल्स इन लोग यूनिट ठीक है, sales, uh, का है one lakh unit, और रूपीज uh, है वन लाख तो कितना करके सेल हो रहा है बता सकते हो सेल का सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है करेक्ट ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है फोर्टी थाउजेंड तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन लैक करने से जितना आएगा पॉइंट में आ जाएगा ठीक है और फिक्स कॉस्ट को तो ऐसे हमें करना नहीं है फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होता है उसका पर यूनिट का कोई फायदा नहीं है कैलकुलेट करके बोल रहे आउट बीपी सॉरी फाइंड आउट पीवी रेशियो बीपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले हमें पॉइंट ए पे बोला है ये जो डेटा है इसके हिसाब से हमें पीवी रेशियो बीपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है तो इलास्ट्रेशन थ्री ठीक है तो पॉइंट ए पीवी रेशियो बताओ पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है पीवी मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फॉर्मूला क्या था मैंने सिखाया भी था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इन टू हंड्रेड ठीक है ये रेशियो हंड्रेड में ही सारा निकलेगा परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इन टू हंड्रेड अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे सेल्स तो हमें पता है वन लैख कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है सेल्स माइनस ठीक है ये करते करते याद हो जाएगा और जैसे मैंने सिखा है वैसे करके याद करने का कोशिश करोगे देखो याद तो करना ही पड़ेगा लेकिन समझ के याद करने से नहीं भूलेंगे एग्जाम टाइम पे तो वन लैख माइनस वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कितना है फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय सेल ये सब रुपीस हाँ, ये रुपीज, लेकिन देखो यूनिट फ्री जो मैंने बोला यूनिट फ्री क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है हम लोग ये सब यूज नहीं करते बट ये सब लॉजिक है तो यहां पर हो जाएगा कितना परसेंट सिक्सटी परसेंट पीवी हो गया ठीक है अच्छा बीपी बीईपी बोला है तो एक बात याद रखो जब भी बीपी बोलेगा बीपी मतलब तो पॉइंट हो गया अब इस पे वैल्यू है कि यूनिट है कुछ नहीं बता रहा है लेकिन हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे आंसर वैल्यू पे देने का ठीक है पॉइंट भी निकाल सकते हैं लेकिन अल्टीमेट आंसर अगर कुछ नहीं बोलेगा तो दोनों में ही होना चाहिए बीपी इन पॉइंट और बीपी इन वैल्यू ठीक है तो बीपी का मतलब क्या होता था सोचो बीपी का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन ये कब होता है जब हम लोग फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर कर लेते हैं क्योंकि जब वेरिएबल कॉस्ट करते उसे तो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन बोला जाता है अब ही ऐसा एक एलिमेंट है जो हमें फिक्स कॉस्ट रिकवर करने में हेल्प करेगा तो बीपी का मतलब क्या हो जाता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन हाँ वैल्यू में निकालना है ना तो हाँ हाँ में भी, में भी निकाल सकते हैं वैल्यू में भी निकाल सकते हैं ठीक है वैल्यू में भी निकाल सकते हैं ये दो तरह से ही निकालेंगे जबकि क्वेश्चन में देखो कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग दो तरह से ही निकालने का कोशिश करेंगे अगर निकलेगा तो अगर नहीं निकलेगा जो होगा वही निकालेंगे अगर कुछ नहीं बोलेगा दोनों तरह से ही निकालेंगे तो ईजिएस्ट वे ऐसा है कि हम लोग इसको अगर कर दे फिक्सड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पी वी रेशियो तो हम लोग का किस में आंसर आएगा इन वैल्यू में ठीक है और इसको फिर डिवाइड कर देंगे इन यूनिट में भी आ जाएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है फिफ्टी थाउजेंड अभी कैलकुलेट अभी कर लिया हम लोगों ने कितना 60%. तो देखो कितना होता है अच्छा 83 ,333. 83 ,333. ये रुपीज इतना है. ये ब्रेक इवन, तो इवन पॉइंट इन यूनिट अगर निकालना कितना यूनिट बेचेंगे सेल इतना है रुपीज एट थ्री 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 एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है एक यूनिट का सेलिंग प्राइस तो एक रुपया है ना है तो रूपीज वन पर यूनिट अगर सेलिंग प्राइस है एक यूनिट का सेलिंग प्राइस एक रुपया तो एक रुपया एक यूनिट का देखो एक रुपया एक यूनिट का तो एट्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री रुपीज मतलब कितना यूनिट होगा बोलो उतना ही यूनिट होगा सेम उतना ही यूनिट होगा ना 83,333 यूनिट या फिर तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे इतना ही आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोलो कितना है सेल्स 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 कितना है एट द रेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 0.4 तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा ये तो पर यूनिट का डेटा निकल गया ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना वन माइनस जीरो पॉइंट फोर तो कितना होता है? 0 0 तो 50, कर लो कैसे भी करो आंसर सेम आएगा लॉजिक है ना कितना देखो एटी थ्री 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 एटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री अब इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट दैट इज रुपीज वन तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ब्रेक इवन सेल्स कितना है ये ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे या फिर जैसे किया वो भी चलेगा ठीक है जिसको जो याद रहता है जो ठीक लगता है उससे कर सकते हो अच्छा अब बोला है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आज ही सीखा है बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं बोला है तो वैल्यू ही पूछ रहा है ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ नहीं बोला है तो हमें वैल्यू निकालना है तो एक्चुअल सेल्स है वन लैख बीपी सेल कितना है एटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री माइनस कर

ये कुछ इफेक्ट दिया है कि अगर हम लोग कोई कोई चीजों में चेंजेस कर देते हैं जैसे सेल्स वॉल्यूम को 20 परसेंट इंक्रीज करते हैं ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज करते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऐसा बहुत सारा इफेक्ट दे रखा है तो इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है बोल रहा है कि इवेल्यूएट द इफेक्ट ऑफ अगर ऐसे करेंगे तो इफेक्ट क्या होगा किस चीज का इफेक्ट कैलकुलेट करना है ये जो तीन चीज हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था ना इसी का कि अगर हम लोग ऐसा कुछ चेंजेस करते हैं देन पीवी रेशियो में क्या चेंजेस होगा बी में क्या चेंजेस होगा मार्जिन सेफ्टी में क्या चेंजेस होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा ठीक है तो इसके लिए हम लोग कॉलम बना लेंगे देखो पॉइंट बी यहां पर पर्टिकुलर यहां पर लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो तो ये अगर तुम लोग करते हो खुद से तो क्या होगा तुम लोग का पूरा जो लॉजिक है वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चेंजेस इंपैक्ट होता है ठीक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सब हम लोग रुपीज में करेंगे सारा आंसर हम लोग रुपीज में करेंगे ठीक है तो पॉइंट वन पॉइंट वन क्या बोल रहा है देखो क्या चेंजेस करने के लिए बोल रहा है ट्वेंटी इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम तो हम इस तरह से लिखते हैं ट्वेंटी इंक्रीज का मैंने साइन दे दिया ठीक है ताकि हम लोग जल्दी जल्दी लिख पाए ट्वेंटी इंक्रीज इन फिजिकल

हाँ सेल्स बढ़ेगा बड़े तो वेरिएबल बड़े। कॉस्ट भी बढ़ेगा ना हाँ सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा तो सेल्स वन लाख यूनिट था ठीक है इसीलिए यहाँ पर ये यूनिट पता होना जरूरी है ये एक रुपया करके जीरो पॉइंट फोर करके सेल्स अगर ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज हो जाएगा तो वन लाख यूनिट से कितना हो जाएगा चेंज होके वन लाख प्लस ट्वेंटी टू हाँ लाख प्लस ट्वेंटी कितना होगा बोलो

तुम लोग या तो स्क्रीन ले लो या तो लिखो वर्किंग नोट बना के ठीक है क्योंकि पूरा बहुत सारा है अगर इतना सारा लिखने जाएंगे टाइम लगेगा ये तुम लोग समझ जाओगे ठीक है समझना भी चाहिए देखो एक लाख यूनिट से ट्वेंटी परसेंट बढ़ा रहे तो वन लाख का बीस परसेंट ट्वेंटी थाउजेंड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इंक्रीज हो रहा है एक रुपए करके सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस में तो चेंजेस नहीं बोला है बोला है सेल्स वॉल्यूम में चेंजेस ठीक है तो सेलिंग प्राइस वन लाख ट्वेंटी हो गया वेरिएबल कॉस्ट अगर मेरा यूनिट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट मतलब मेटेरियल लेबर वेरिएबल ओवर जो भी होता है तो 0.4 करके एक यूनिट तो वन ट्वेंटी का फोर्टी एट थाउजेंड और इन दोनों को लेस करने पे हमें कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा तो हम डायरेक्टली सिर्फ वन लाख ट्वेंटी और फोर्टी एट थाउजेंड लिखेंगे तुम लोग एक पेज अपना वर्किंग का बना के लिख सकते हो वन लैख ट्वेंटी माइनस फोर्टी तो ये हो जाता है सेवेंटी

हाँ थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन हम थोड़ा जल्दी इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि सर माइनस प्लस ही तो करना है और तो कुछ नहीं मेन चीज तो मैंने पहले ही बता दिया ठीक है सेकंड पॉइंट देखो सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम ठीक है ट्वेंटी डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम ठीक है तो अगर ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज हो जाएगा देखो ट्वेंटी परसेंट वन लैख था ट्वेंटी परसेंट माइनस कर दो तो वन तो लाख ,00 से ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट माइनस करने से एट्टी थाउजेंड सेल होगा एट द रेट ऑफ वन करके सेल वैल्यू हो जाएगा एट्टी थाउजेंड वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा एट्टी थाउजेंड एट द रेट ऑफ जीरो पॉइंट फोर ठीक है तो कितना हो जाएगा थर्टी 2, 32,000, 32,000. बस अब ये निकल गया तो हम लोग बाकी सब ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 80,000 ठीक है? तो ये तुम लोग जरूर नोट डाउन करो ठीक है कि कैसे हो रहा है एक बार जीरो पॉइंट फोर ये लिख लोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा माइनस करने से आ गया 48,000. ठीक है अच्छा अब पीवी रेशियो पीवी रेशियो का मतलब इसी का पीवी रेशियो होगा इस कंडीशन का तो कंट्रीब्यूशन यानी 48000 डिवाइडेड बाय सेल्स यानी 80000 100 60% अच्छा 60% बीईएसएल 50000 फिक्स्ड कॉस्ट में तो चेंजेस नहीं होता डिवाइडेड बाय 60% मतलब फिर से उतना ही सेम अमाउंट है ना तो 83333 तो एक्चुअल सेल्स कितना है अभी एक्चुअल सेल्स है 80000 अच्छा ये 83,333 मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक पहुंचे नहीं है नेगेटिव है कितना नेगेटिव वैल्यू आ रहा है 3333 थ्री चार थ्री ठीक है चार थ्री नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है देखो एक्चुअल सेल से 80,000 को तो बीपी पे पहुंचेंगे कैसे हाँ मतलब बीपी तक नहीं पहुंचे अभी यहाँ तक पहुंचेंगे तभी बीपी होगा बीपी पहुंचने के लिए कितना सेल कम दिख रहा है थ्री हम लोग अभी तक 80,000 सेल तक ही पहुंचे हैं मतलब अगर इसको कर्व में हम लोग ड्रॉ करें तो ये देखो अभी ऐसा ये मान लो बीपी पॉइंट है यहाँ पर जाएंगे तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये नीचे का जो है ये 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 बीपी पॉइंट है ठीक है ये लॉस वाला पॉइंट है अभी हम लोग सेल कर रहे हैं यहाँ पर अस्सी हम लोग को एटलीस्ट अगर यहां पर बीपी पहुंचना है तो एट्टी सेल करना पड़ेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक तो पहुंच ही नहीं सकते इसीलिए नेगेटिव दिख रहा है ये वाला नेगेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ है ही नहीं क्योंकि मुझे बीपी तक पहुंचने के लिए तो 83333 करना पड़ेगा नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ही नहीं इसलिए नेगेटिव दिख रहा है ठीक है गेस yes, थर्ड फाइव परसेंट इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पॉइंट चेंज हो गया लेकिन ठीक है फाइव परसेंट इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट था जीरो पॉइंट फोर ठीक है एट द रेट ऑफ जीरो इंक्रीज करो देखो कितना होता है पॉइंट फोर इंटू फाइव परसेंट तो पॉइंट फोर प्लस जीरो पॉइंट फोर इंटू फाइव परसेंट करने से पता चलेगा तो आंसर आ रहा है जीरो पॉइंट फोर प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू कितना आ रहा है देखो 0.42 तो 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट तो क्या इंपैक्ट होगा ठीक है तो ये वाला लिख लो कि 0.42 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है अच्छा अब हम हम लोग का कॉलम क्या-क्या है पहला कॉलम है कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो सेल कितना होगा अब यूनिट चेंज नहीं हुआ था तो अब 1 लाख पे फिर से काउंट करेंगे तो सेल कितना है 1 लाख 1 ₹1 लाख ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा एक लाख यूनिट इंटू हाँ तो थाउजेंड अच्छा तो अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इन हंड्रेड पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय हाँ फिफ्टी एट परसेंट अच्छा अब ये है बीपी सेल मतलब फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन फिफ्टी एट परसेंट कितना होता है देखना पड़ेगा एट्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड सेवन एट्टी सिक्स टू हंड्रेड सेवन हाँ एट्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड सेवन अच्छा अब ये हटा देते हैं

अच्छा फोर्थ नंबर पे बोल रहा है फाइव परसेंट डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो पॉइंट फोर पे फाइव परसेंट डिक्रीज करो जीरो पॉइंट फोर माइनस जीरो पॉइंट फोर फाइव परसेंट जीरो टू जीरो पॉइंट थ्री एट इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे बाकी सब एज इट इज रहेगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं पहले लिख लेते हैं फाइव परसेंट डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट तो सेल वन लैख यूनिट एक रुपया करके तो वन लैख वन लैक यूनिट इंटू पॉइंट थ्री एट थर्टी एट थाउजेंड थर्टी एट थाउजेंड हो जाएगा तो ये कितना होगा माइनस करने पे सिक्सटी टू सिक्सटी टू थाउजेंड सिक्सटी टू थाउजेंड हो गया अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू हंड्रेड तो ये कितना हो जाएगा टू परसेंट अच्छा यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं फिफ्टी थाउजेंड ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन देखो कितना 45. और ये क्या हो जाएगा तो जरूर होगा है जबकि हम लोग एट्टी सिक्स क्रॉस कर चुके तभी तो एक्चुअल सेल्स वन लाख दिखा रहा है तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनेगा अच्छा फिफ्थ नंबर पे टेन परसेंट इनक्रीज इन चेंज हो गया है तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन uh, क्या होगा सेल्स वही रहेगा जो क्वेश्चन में गिवन है वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगा जो क्वेश्चन में गिवन है कितना फोर्टी थाउजेंड ठीक है फोर्टी थाउजेंड ये सब में तो चेंजेस नहीं है ना फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस है तो यहाँ पर

हाँ, 91667, 91 रुपीस का हो गया बीपी सेल। अच्छा, अब यहां पर, MOS, 1 ,00 divided by करने से जितना आएगा उतना ही आंसर होगा एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स एट थ्री 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 एट थ्री 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 अच्छा पॉइंट टेन परसेंट डीक्रीज था जस्ट 40,000 क्योंकि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंजेस है नहीं तो सिक्सटी थाउजेंड ठीक है कंट्रीब्यूशन भी सेम हो जाएगा सिक्सटी थाउजेंड मतलब पीवी रेशियो इन डिवाइडेड बाय 1 इन इनटू परसेंट हाँ ये टेन परसेंट कम करना है फिफ्टी थाउजेंड टेन परसेंट मतलब पांच हजार एड किया था पांच हजार लेस कर दो पचास हजार से फोर्टी फाइव थाउजेंडेड बाई सेवेंटी फाइव थाउजेंड कितना हो जाएगा ट्वेंटी हाँ ट्वेंटी ठीक है तो और भी दो पॉइंट बाकी है यहां पर देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है टेन परसेंट डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड टेन परसेंट इनक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम अब दो इम्पैक्ट देना है ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं कॉलम बना लेते नहीं तो बहुत बार लिखना पड़ेगा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो बीईएस ब्रेक ब्रेकिवेन सेल्स MOS margin of safety. Seventh number point. Ten percent decrease in selling price. Ten percent decrease in selling price. And ten percent increase in sales volume. And ten percent increase in sales. वॉल्यूम तो क्या इंपैक्ट होगा तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अब सेल्स को देखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस टेन परसेंट कम होगा तो एक रुपया था ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ठीक है ये पॉइंट के लिए वर्किंग नोट क्या बनेगा हम यहाँ पर बना रहे टेन परसेंट डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस था रुपीज माइनस कर देंगे वन इंटू तो हम लोगों को जो करेंट सेलिंग प्राइस है वो पता चल जाएगा वन इन in... हाँ 0.9, 0.9 हो गया सेलिंग प्राइस। अच्छा, 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम 1 लाख था इस पर टेन बढ़ाना है तो 1 लाख एक लाख दस हजार ये हो गया यूनिट ये हो गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट ठीक है हम लोग को पहला पॉइंट कैलकुलेट करना होता है कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो सेल्स कितना हो जाएगा वन लैख टेन ये वाला ये यूनिट बन गया अच्छा नाइंटी तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा वन लाख टेन इंटू पॉइंट फोर वो तो कोई चेंज नहीं है वो तो इतना ही है ना मैंने वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा वन लैख टेन इंटू जीरो पॉइंट फोर फोर्टी फोर थाउजेंड फोर्टी फोर थाउजेंड हाँ तब सही होगा तो अब ये माइनस करने से हम लोग को मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा माइनस करने से फिफ्टी फाइव थाउजेंड ठीक है फिफ्टी फाइव थाउजेंड ये आंसर होगा ठीक है तो ये नोट तुम लोग कर लो वर्किंग नोट जहां बना रहे हो तो फिफ्टी फाइव थाउजेंड हो जाएगा अच्छा यहाँ पर कितना हुआ नाइन्टी नाइन थाउजेंड माइनस फोर्टी फोर थाउजेंड ये हो गया फिफ्टी फाइव थाउजेंड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू टू हंड्रेड पीबी रेशियो देखो कितना होता है 55 55, divided. 55, 55%. 55 .55 आ ना फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव 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 इस तरह हाँ तो फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव लिखेंगे या फिर फाइव सिक्स लिखना पड़ेगा अच्छा बीई एस ब्रेक इवन सेल्स कैसे हुआ फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ तो फिक्स्ड कॉस्ट का चेंजेस नहीं है तो जो था वही रहेगा यानी कि फिफ्टी डिवाइडेड बाई ये वाला फिफ्टी फाइव पॉइंट परसेंट तो फिफ्टी डिवाइडेड बाई फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव करके कैलकुलेटर जब तक लेगा लेना पड़ेगा ना क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का जो कैलकुलेशन है अगर तुम लोग 55.55 लोगे तो वो कुछ 90,000.9 90 ऐसा आएगा ठीक है और अगर पूरा 55.55 .55 लोगे तो 90,000 आ जाएगा ठीक है तो ये ऐसे ही ले लो 55.55 .55, तो 90,000 थाउजेंड नाइन आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स सेल्स माइनस ब्रेक इवन यानी 90 ठीक है मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक हम लोग नहीं पहुंचे क्यों देखो क्योंकि कंट्रीब्यूशन एक्चुअल सेल्स 99,000 है हम पहुंच गए ना हाँ पहुंच गए तो ये डिफरेंस कैसे आ गया मेरा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स तो ये ये है सॉरी मुझे लगा ये 99, इसलिए मैंने गलत बता दी हाँ ये नाइनटी नाइन है हाँ पहुंच गए नाइन जीरो जीरो नाइन हाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है एट नाइन नाइन वन इतना इसके बाद टेन परसेंट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस टेन परसेंट डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम टेन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड टेन परसेंट डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम टेन परसेंट डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम जस्ट अपोजिट है ठीक है तो इसमें क्या क्या चेंजेस होगा टेन परसेंट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एक रुपया था एक रुपया में टेन परसेंट बढ़ाना है तो वन पॉइंट वन जीरो एक रुपया दस पैसा ठीक है और टेन परसेंट इन सेल्स वॉल्यूम वन लाख में वन लाख इंटू टेन परसेंट कम कर दो तो वन लाख में टेन परसेंट यानी दस हजार नाइन्टी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड यूनिट ठीक है अच्छा अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है सबसे पहले कंट्रीब्यूशन यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो सेल कितना हो जाएगा नाइनटी थाउजेंड इंटू वन नहीं ये क्यों मल्टीप्लाई होगा ये क्या है सेलिंग प्राइस है क्या हाँ हाँ सेलिंग प्राइस है ये मल्टीप्लाई होगा ठीक है नाइनटी नाइन थाउजेंड ही होगा सही बता रहे हो माइनस वेरिएबल कॉस्ट नाइनटी थाउजेंड इंटू अच्छा नाइनटी ये थर्टी अच्छा और ये नाइन सिक्सटी थ्री थाउजेंड थ्री सिक्सटी थ्री ठीक है तो ये वर्किंग नोट होगा हम सिर्फ ये वाला लिखेंगे नाइनटी नाइन थाउजेंड और सिक्सटी थ्री नाइन्टी नाइन थाउजेंड माइनस थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स थाउजेंड तो ये हो जाएगा सिक्सटी थ्री थाउजेंड ये हो गया कंट्रीब्यूशन अब सिक्सटी थ्री डिवाइडेड बाई नाइनटी नाइन इंटू हंड्रेड कर लो सिक्सटी थ्री पॉइंटी थ्री परसेंट एक्चुअल सेल्स 99,000 माइनस सॉरी ये तो मैंने एमओ का लिख दिया बीई एस मतलब फिक्स्ड uh, कॉस्ट डिडेड बाई पीवी रेशियो 63.64 थ्री पॉइंट सिक्स फोर परसेंट करने से जितना आएगा ये हो गया सेवनटी एट फाइव सिक्स सेवन और ये माइनस नाइनटी नाइन उजेंड फोर हंड्रेड थर्टी थ्री ट्वेंटी थाउजेंड इंक्रीज इन कॉस्ट अच्छा पांच हजार वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज फाइव थाउजेंड कॉस्ट डिक्रीज एंड फिफ्टीन थाउजेंड फिक्सड कॉस्ट इंक्रीज एंड फिफ्टीन थाउजेंड फिक्सड कॉस्ट इंक्रीज तो क्या इम्पैक्ट होगा इम्पैक्ट यहाँ पर होगा क्योंकि माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो सेल में कोई चेंजेस नहीं है तो जो क्वेश्चन में था वही सेल होगा वन लैख रुपीज वन लैख माइनस वेरिएबल कॉस्ट जितना था उससे हमें फाइव थाउजेंड माइनस कर देना है तो टोटल कितना था वेरिएबल कॉस्ट फोर्टी थाउजेंड का फोर्टी में फाइव थाउजेंड कम कर देंगे कितना हो जाएगा फाइव थाउजेंड कम उसेंड थर्टी तो यहाँ पर आ जाएगा 65, 000. 65, 000 ये हो हो गया अब जाएगा 65%. अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट फिफ्टी थाउजेंड था और भी फिफ्टीन थाउजेंड इंक्रीज करना है तो फिफ्टी सिक्सटी फाइव 15000 इंक्रीज करने से 65000 डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 65% 1 लाख होगा शायद 65 बाय 1 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ होगा बिना कैलकुलेट करे भी जीरो होगा वन लाख एक्चुअल सेल्स था बीपी तक ही तो पहुंच पाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहां से होगा नहीं होगा अब कुछ इसके बाद सेल जब होगा तब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ सकता है ठीक है तो ये चेंजेस के साथ हम लोग का फॉर्मूला भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्या बोल रहा है टू बिजनेस ए बी लिमिटेड एंड सी डी लिमिटेड सेल द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन से ये दो कंपनी है ये दोनों कंपनी सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में बेचती है दे आर बजेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दर एंडिंग थर्टी जून टू थाउजेंड सिक्सटीन एज फॉलोज तो उनका बजेटेड प्रॉफिट लॉस दे रखा है सेल्स वन लैख फिफ्टी लेस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट ये हो गया प्रॉफिट तो सेल माइनस टोटल कॉस्ट सेल माइनस टोटल कॉस्ट सेम कॉलम के हिसाब से दिया हुआ है यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैलकुलेट द बीपी ऑफ द द ईच ऑफ बिजनेस दोनों बिजनेस का बीपी कैलकुलेट करना एंड स्टेट बिजनेस इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट इन कंडीशन हैवी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्रोडक्ट का डिमांड अगर मार्केट में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो कौन सा कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होगा डिक्रीज कंडीशन में या इंक्रीज कंडीशन में यह बताना है तो सबसे पहले तो बोला है सिंपल बीपी कैलकुलेट करके बताना है हमें दोनों कंपनी का बीपी कैलकुलेट करके बताना है ठीक है तो इलास्ट्रेशन फोर स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ बीपी ए बी लिमिटेड सी डी लिमिटेड अच्छा बीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे बीपी अभी अभी हम लोगों ने सीखा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन सॉरी हाँ पीवी रेशियो तो उससे डायरेक्ट सेल वैल्यू आ जाएगा तो पीवी रेशियो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम लोग पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो लिख लेते हैं सेल्स फिर वेरिएबल कॉस्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर ही फॉर्मेट बना लेंगे सेल्स हो गया वन लैख फिफ्टी इसका भी है, सेम है अच्छा वेरिएबल कॉस्ट वन ट्वेंटी वन ,00, लैख कंट्रीब्यूशन आ जाएगा माइनस करने से सेवेंटी फाइव थाउजेंड वन लैख फाइव थाउजेंड एक सेवेंटी फाइव और एक वन लैख फाइव कंट्रीब्यूशन थर्टी और फिफ्टी कंट्रीब्यूशन हो गया थर्टी थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड अच्छा पीवी रेशियो पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इन टू हंड्रेड यही अप्लाई करेंगे हम लोग कंट्रीब्यूशन तो ठीक है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स सेल्स मतलब वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इंटू हंड्रेड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इन टू हंड्रेड तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी थर्टी थ्री पॉइंट या फिर थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ये हो गया पीवी रेशियो अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट लिख लेते हैं दोनों का कितना कितना है फिर बीपी निकाल पाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट हाँ फिफ्टीन थाउजेंड

तो ये हो जाएगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड इसका एग्जैक्ट आंसर लाने का एक ही पैटर्न है थर्टी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री जब तक कैलकुलेटर लेगा फिर परसेंटेज यूज करना चाहिए तब जाके सही आंसर आएगा वन लैख या फिर इसको वन थर्ड करके कर सकते हैं तो वन थर्ड करने पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सॉरी ये फिर चेंज हो जाएगा three, मतलब रिवर्स होके इसका मतलब हो जाता है होता नाइन प्लस वन ये हो गया नाइन्टी नाइन प्लस वन मतलब हंड्रेड बाई थ्री परसेंट हंड्रेड बाई थ्री परसेंट मतलब हंड्रेड बाई थ्री होल डिवाइडेड बाई हंड्रेड क्योंकि टेन परसेंट मतलब टेन बाई हंड्रेड उसी तरह से तो हंड्रेड इंटू हंड्रेड बाई थ्री इंटू वन बाई हंड्रेड तभी जाके ये वन थर्ड होता है ठीक है जो भी हो तो ये हो गया मैथमेटिक्स का कंसेप्ट छोड़ो इसको तो यहाँ पर हो जाएगा वन लैख फाइव थाउजेंड अब हमें कमेंट करना है बीपी हो गया अच्छा प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं प्रॉफिट कितना कितना है प्रॉफिट तो बता ही रखा है फिफ्टीन और फिफ्टीन प्रॉफिट दोनों के केस में ही लेकिन सेम है अच्छा अब हम लोग को पूछा जा रहा है हेवी डिमांड अगर प्रोडक्ट का है तो कौन सा बिजनेस का, कौन सा कंपनी का बेनिफिट है और अगर लो डिमांड है तो कौन सा कंपनी का बेनिफिट है ठीक है तो हम लोग अगर देखे सीडी लिमिटेड जो है सीडी लिमिटेड का केस देखते हैं पहले क्या है एबी लिमिटेड है अच्छा हेवी आ... डिमांड जब होगा अगर हेवी डिमांड होता है पहला कंडीशन हेवी डिमांड का था हेवी डिमांड होने से सीडी लिमिटेड ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा ठीक है सीडी लिमिटेड ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा क्यों क्योंकि उसका पीवी रेशियो ज्यादा है पीवी रेशियो कब ज्यादा होता है जब कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है अब कंट्रीब्यूशन कैसे ज्यादा होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेल्स वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है सेल्स वॉल्यूम कुछ भी हो फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहेगा तो अगर किसी का पीवी रेशियो हाई है ठीक है तो इसका मतलब जब ज्यादा डिमांड होगा प्रोडक्ट का तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिखेगा ठीक है और अगर लो डिमांड है अगर मार्केट में डिमांड लो है प्रोडक्ट का तो उस केस में एबी लिमिटेड को बेनिफिट होगा क्योंकि उसका बी पी देखो बीपी क्या है उसका लो है ठीक है बीपी हाँ सेवेंटी फाइव थाउजेंड है मतलब ब्रेक इवन पहुंचने में इसको टाइम लगेगा जबकि जो सी uh, तो डी है तो ब्रेक इवन जिसका जल्दी है वही वाला अच्छा होगा क्योंकि मार्केट में हम जो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट उसका उतना डिमांड नहीं है लेकिन सबका क्या होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट होता है कि बीपी तक जल्दी जल्दी पहुंचा जा सके तो बीपी तक जल्दी पहुंचता है मार्केट में सेल भी कम है तो फिर इसके लिए फायदा हो जाएगा लिमिटेड क्योंकि वही बीपी में जल्दी जल्दी पहुंच सकेगा क्योंकि सेवेंटी फाइव थाउजेंड बीपी कवर कर जाता है जबकि इसका वन लैख फाइव थाउजेंड इसलिए आंसर लिखेंगे फ्रॉम द एव कंप्यूटेशन इट वॉज फाउंड दैट The product produced by CD Limited is more profitable in heavy demand condition as pv ratio is high on the other hand in the condition of Low demand the product produced by AB Limited is more profitable as BP Low.

प्रॉफिट क्या होगा? कॉस्ट मतलब, कितना -कितना है? है, प्रेजेंटली जो भी दिख रहा है पांच रूपया इसमें भी कुछ फिक्स पोर्शन है कुछ वेरिएबल पोर्शन है सिक्सटी परसेंट फिक्स है तो फोर्टी परसेंट वेरिएबल है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रुपीज ट्वेंटी हम लोग को बताना है कि फिफ्टी और नाइन्टी परसेंट में शिफ्ट होने के लिए जो भी चेंजेस दिख रहा है इससे प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा प्रॉफिट कितना होगा ये बताना है ठीक है तो हम लोगों को बेसिकली प्रॉफिट बताना है विथ द चेंजेस तो इलास्ट्रेशन फाइव स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एट फिफ्टी परसेंट एंड नाइन्टी परसेंट कैपेसिटी लेवल पर्टिकुलर फोर्टी परसेंट भी लिख लेते हैं इसके साथ साथ फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट तीनों ही लिख लेते हैं ठीक है अच्छा सबसे पहले सेलिंग प्राइस यही गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस कितना है सेलिंग प्राइस है यहाँ पर ट्वेंटी पर यूनिट ठीक है अगर हम लोग यहाँ पर यूनिट करते हैं दो कॉलम बना लेते क्यों क्योंकि यूनिट के साथ साथ हमें यहाँ पर टोटल भी दे रखा है दस हजार यूनिट फोर्टी परसेंट मतलब दस हजार यूनिट के बराबर प्रोडक्शन ठीक है तो यहां पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ट्वेंटी रुपीज तो टोटल कितना हो जाएगा क्योंकि फोर्टी थाउजेंड का सॉरी फोर्टी परसेंट का मतलब होता है टेन थाउजेंड यूनिट का प्रोडक्शन यहाँ पर टेन थाउजेंड लिख लेते हैं तो टेन थाउजेंड इंटू ट्वेंटी कितना हो जाएगा टू लैक्स ठीक है अच्छा अब यहाँ पर सेम कॉलम बनाएंगे यूनिट और यहां टोटल अब पहले फिफ्टी परसेंट मतलब कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा ये सोचो थाउजेंड फाइव हंड्रेड हम भी एक बार चेक कर लेते हैं दस हजार डिवाइडेड बाय फोर्टी फिफ्टी हाँ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है अच्छा और ये 90 परसेंट का कितना हो जाएगा ये भी चेक कर लेते हैं ट्वेंटी अच्छा,

12,500, हंड्रेड ये हो गया सेलिंग प्राइस ठीक है अच्छा अरे ये आ, यहां पर देखो फिर अगर 90 में जा रहे हैं तो 5 कम हो जाएगा. तो ट्वेंटी पे फाइव परसेंट कम करो पंद्रह रुपया हो जाएगा क्या ट्वेंटी पे फाइव परसेंट नहीं कुछ और हो रहा है रुपया. अच्छा. लेबर और 27, हाँ, 27, selling price. Selling price. अब पहले सारा वेरिएबल कॉस्ट लिख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट बोल के हेडिंग करेंगे उसके अंदर मेटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवर आ जाएगा ओवर एट का वेरिएबल पोर्शन इस तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते ठीक है तो ये हो गया पॉइंट वन पॉइंट टू दे देते हैं वेरिएबल कॉस्ट ठीक है इसके अंडर आ जाएगा मेटेरियल लेबर वेरिएबल ओवर एड मेटेरियल कितना हो जाएगा मेटेरियल में कोई चेंजेस बोला था आ, ये नाइन्टी परसेंट वाले में बोला था कि रॉ मेटेरियल भी सेम तरह से फॉल करेगा तो पहले तो ये टेन ही होगा ठीक है टेन इंटू टेन थाउजेंड कितना हो जाएगा वन लैख अच्छा इसमें भी टेन ही रहेगा इसमें कोई चेंजेस नहीं था क्वेश्चन देख लो फिफ्टी परसेंट में सिर्फ सेलिंग प्राइस फॉल कर रहा था तो टेन टेन इंटू ठीक है अच्छा फिर मेटीरियल यहाँ पर कम हो जाएगा नाइनटी परसेंट कैपेसिटी सेलिंग प्राइस फाइव परसेंट बाई सिमिलर फॉल मतलब 5 से ही रॉ मेटेरियल फॉल हो जाएगा तो दस रुपए का पांच परसेंट कम कर लो नाइन पॉइंट फाइव नाइन पॉइंट फाइव

वेरिएबल कितना होगा तो 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 हमें पर को लिखना पड़ेगा टू रूपीज टू इंटू टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड टू इंटू ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ना Yes, और तो, अच्छा, से तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा हम लोग यहाँ पर पॉइंट थ्री में लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ब्रैकेट में लिख देंगे वन माइनस टू वन माइनस टू कर रहे ठीक है तो यहाँ पर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करो कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा तो ट्वेंटी माइनस ये टेन तीन दो पांच ये फिफ्टीन ये कितना हो जाएगा फिफ्टीन ये फाइव हो जाएगा ठीक है ये पूरा करने का जरूरत नहीं है सिंपल क्या करेंगे पांच रुपए कंट्रीब्यूशन है दस हजार यूनिट पे कैलकुलेट करो और माइनस करके बाद में चेक करना सेम ही आंसर आएगा आना ही चाहिए यूनिट पे करेंगे तो वो भी तो सेम ही होगा ना दस हजार इंटू पाँच कितना हो जाएगा पचास हजार करके देख सकते हो तुम लोग ये देखो थर्टी और ट्वेंटी होगा ना पंद्रह मेट्रियल को भी तो लेंगे ना हाँ हाँ पंद्रह हो रहा है हाँ मैंने गलत कैलकुलेशन किया पंद्रह और बीस हाँ पंद्रह हो रहा है तो पंद्रह इंटू दस हजार अच्छा अब ये वाला ये फिफ्टीन माइनस होगा नाइनटीन पॉइंट फोर माइनस फिफ्टीन फोर पॉइंट फोर इंटू ये कर दो तो भी सेम आंसर आएगा फिफ्टी फाइव थाउजेंड माइनस करके भी देख सकते हो सेम ही आंसर आएगा अच्छा ये हो गया 19 माइनस 5 और 9 14.5 4.5 इनटू 22500 101 1 लैक 1250 ये हो गया कंट्रीब्यूशन ठीक है अच्छा कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स्ड कॉस्ट तभी तो प्रॉफिट पता चलेगा कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये ये जो का फिक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट है वही लगाना पड़ेगा अच्छा, एक मिनट फर्स्ट वाले में आपने वो टोटल नहीं किया मतलब मतलब उसको डायरेक्ट कर दिया तो फिर आपने आपने फिर सही लिखा था मेरे को अच्छा अच्छा

अगले आपने टोटल किया ना इसलिए मैंने फिफ्टीन बोल दिया ठीक है बाकी 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 बोलो बाकी ठीक है ना ये सब बाकी ठीक है हाँ बाकी है मैं अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट अरे बार बार ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो रहा है सिक्सटी परसेंट मतलब फाइव का सिक्सटी परसेंट कितना हो है थ्री अच्छा थ्री अच्छा थ्री इनटू टेन फिक्स्ड कॉस्ट सब में चेंज होगा कि सेम रहेगा अब इसमें क्या होता है देखो फिक्स्ड कॉस्ट में हमें क्या करना है हमें जो गिवन डेटा होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट हमें यूनिट किससे मल्टीप्लाई करना है वैसे तो फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट इफेक्टेड नहीं होता है लेकिन हम लोग यहाँ पर फिर फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें ये तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो दस हजार यूनिट जो अभी करेंटली चल रहा है प्रोडक्शन उससे उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि उनका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पर दे रखा है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं तो इस हिसाब से हम लोगों का पांच रुपए का अगर फिक्स्ड और वेरिएबल का पोर्शन सिक्सटी और फोर्टी के हिसाब से हम लोग अगर चलते हैं तो उस केस में यहाँ पर आ जाएगा तीन रुपया ठीक है तो अगर जो हमारा एग्जिस्टिंग आता है तीन रुपए करके दस हजार यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है तो ये थर्टी थाउजेंड हो रहा है तो बाकी सब में कितना होगा बाकी सब में हमें कितना लगाना चाहिए फिर फिर हम लोग बाकी सब में यहाँ पर और कुछ नहीं करेंगे डायरेक्ट कितना लगाते हुए चलेंगे थर्टी इनिशियली जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तब हम लोगों ने देखा कि टेन थाउजेंड यूनिट प्रोड्यूस्ड हो रहा है और उसमें फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है थर्टी थाउजेंड कैसे पता चला गिवन डेटा से तो बाकी सब में भी फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि अनचेंज होता है तो थर्टी थाउजेंड ही नहीं होगा ठीक है तो अगर क्वेश्चन में एक कैपेसिटी लेवल का डिटेल्स दिया हुआ है तो वही कैपेसिटी लेवल का फिक्स्ड कॉस्ट बाकी सब पे अप्लाई होगा ये चीज बजट कॉस्टिंग में भी तुम लोग को ध्यान रखना है बजट बजट का बजट कॉस्टिंग जब करेंगे वहां पर भी सेम ऐसा ही होगा एक लेवल ऑफ एक्टिविटी दे देगा बाकी कैलकुलेट करना है तो वहां पर भी इसी तरह से कैलकुलेट होगा गिवन कैपेसिटी लेवल के ऊपर डिपेंड करके बाकी जो है उसका फिक्स्ड कॉस्ट uh, हम लोग फिक्स्ड uh, करेंगे ठीक है उसी तरह से लिखना पड़ेगा प्रॉफिट प्रॉफिट यहाँ पर माइनस कर देते हैं ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्रॉफिट यहाँ पर वन सेवेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी ठीक है प्रॉफिट हो गया अच्छा और क्या पूछा था हम लोगों को ये फैक्ट्री यहाँ पर बोला था एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बस प्रॉफिट ही कंप्यूट करने बोला था तो प्रॉफिट इतना हो गया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ नंबर क्या बोल रहा है द सेल्स टर्नओवर एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग टू पीरियड्स आर एज फॉलोस दो पीरियड का सेल्स और प्रॉफिट दे रखा है व्हाट वुड बी प्रोबेबल ट्रेडिंग रिजल्ट विथ सेल्स ऑफ़ 1 लक्ष 80, 000 अगर हम लोग 1 लक्ष 80, 000 का सेल कर रहे हैं तो प्रोबेबल ट्रेडिंग रिजल्ट मतलब प्रॉफिट क्या होगा ट्रेडिंग रिजल्ट मतलब ट्रेड करके रिजल्ट क्या आता है प्रॉफिट या लॉस तो अगर 1 ,80 का सेल करेंगे तो क्या प्रॉफिट या लॉस होगा अमाउंट ऑफ सेल्स विल थाउजेंड प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा ठीक है ये पूछ रहा है फिफ्टी थाउजेंड प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा उसके आगे का जो क्वेश्चन था कि वन लाख एटी थाउजेंड का अगर सेल हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है ठीक है वल्लख एटी थाउजेंड के सेल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है ठीक है तो पहले हम लोग देखते हैं वल्लख एटी थाउजेंड के सेल पे कितना प्रॉफिट होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स तो यहाँ पर जो डेटा दे रखा है ये दो पीरियड का दे रखा है अगर हम लोग यहाँ से पीवी रेश्यो रेशो निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं पीवी रेशो अगर दो पीरियड का दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या निकालते हैं अगर तुम लोग के पास कॉपी है तो अपना फॉर्मूला वहां पर लिखा हुआ होगा देखो चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट अगर दो साल का दिया हुआ है तो और चेंज इन सेल मैंने लिखवाया था कि इस तरह से होगा इन 100. तो प्रॉफिट का चेंजेस देखो प्रॉफिट का चेंजेस ट्वेंटी फोर्टी माइनस ट्वेंटी ठीक है आप कोई भी एक तरह से कर सकते हैं या तो ट्वेंटी माइनस फोर्टी कर लो या तो अगर ट्वेंटी माइनस फोर्टी करोगे तो टू लाख माइनस थ्री लैख करना पड़ेगा ये भी चलेगा दोनों नेगेटिव आएगा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल हो जाएगा ठीक है या फिर अगर नेगेटिव uh, में नहीं लिखना चाहते हम लोग तो फिर क्या करेंगे लार्जर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट यानी फोर्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है तो फोर्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड ये वैसे भी चेंज क्या होता है नेक्स्ट ईयर के हिसाब से हम लोग कंपेयर करते हैं ना पहले साल का सेल थ्री लैख माइनस टू लैख इंटू हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ठीक है ये हो गया ट्वेंटी परसेंट अच्छा कंट्रीब्यूशन पता चल गया ट्वेंटी रुपीज अगर हंड्रेड रुपीज का सेल होता है ठीक है इससे हम लोग को ये पता चल गया करेंट सिचुएशन ये चल रहा है अब हम लोग को बोल रहा है कि अगर हम लोग लाख एट्टी का सेल करेंगे ये सेल यहां पर क्या था दो लाख तीन लाख अब थर्ड पॉइंट अगर हम लोग वन लाख एट्टी का सेल करेंगे देन प्रॉफिट कॉलम हम लोग का ऐसे पूछ रहा है कि क्या होगा ठीक है तो पीवी रेशियो तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू हंड्रेड ठीक है पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है ये तो दो साल का दिया हुआ था इसीलिए वैसे क्या होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू हंड्रेड ये पीवी रेशियो होता है हम लोगों का पीवी रेशियो कितना कैलकुलेट हुआ है ट्वेंटी परसेंट ठीक है ट्वेंटी परसेंट मतलब ट्वेंटी बाई हंड्रेड अगर इधर हंड्रेड लिखेंगे तो इधर इंटू लिखने का जरूरत नहीं होता है ठीक है यहाँ पर लिख दिया कंट्रीब्यूशन सेल्स कितना है वन एट्टी अगर वल्लेकेटी का सेल होता है तो देन उस केस में कंट्रीब्यूशन कितना होगा हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ठीक है हाँ, देखते हैं कितना होता है कंट्रीब्यूशन ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 180000 20 और ये हो गया डिवाइडेड बाय 100 36 थाउजेंड ठीक है ये कंट्रीब्यूशन हो गया ठीक है अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है प्रॉफिट प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और उसका और एक फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन से फिक्स प्रॉफिट ठीक है प्रॉफिट yes. होगा फिक्सड कॉस्ट प्लस सॉरी मैंने क्या लिख दिया कंट्रीब्यूशन इक्वल टू लिखना चाहिए था मुझे कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ठीक है अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है नहीं फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं दिया हुआ है तो इस तरह से फिक्स्ड कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है तो फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला कैसे लगाए नहीं लगा सकते तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू वही वाला लगाते सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ठीक थर्टी सिक्स थाउजेंड कंट्रीब्यूशन आया कितने सेल के अगेंस्ट में वन लैख एटी थाउजेंड के अगेंस्ट में तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं ये इधर आ गया तो प्लस तो वन लैख एटी माइनस थर्टी सिक्स थाउजेंड वन लैखी फोर

थाउजेंड तो कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा थर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है अब हम लोग को क्या माइनस करना पड़ेगा यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट तब जाके प्रॉफिट पता चलेगा बट फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे निकालें हम उसी ईयर का प्रॉफिट तो दे रखा है ना कि इतने प्रॉफिट पे कितना सेल्स से क्या दे रखा है क्वेश्चन में वो तो दूसरा फिर से दे रखा है ये ये तो फिर से और एक दे रखा है कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है कि कितना प्रॉफिट होगा आ, इतना प्रॉफिट कमाना है तो कितना सेल करना पड़ेगा हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट ठीक है एक बार इक्वेशन लिखते हैं समझ में आ जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट ठीक है तो यहां से फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट होगा ठीक है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है ठीक है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट करेंगे तो फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा बट प्रॉब्लम ये है तो प्रॉफिट ही तो नहीं पता हम लोग को

क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा तो ये इतना सबका शायद जरूरत नहीं होगा मैंने कुछ ज्यादा ही लिख लिया कोई बात नहीं हम लोग यहाँ पर फिक्स कॉस्ट एक बार निकाल लेते देखते हैं कैसे होगा ठीक है फिर से और एक बार करते हैं देखो इलास्ट्रेशन सिक्स को ये ठीक ही है इसको काटो मत ठीक है ये ऐसे करके तुम लोग को भी एनालिसिस करना चाहिए इसको काटो मत रहने दो देखते हैं कि ये भी काम में आएगा कि नहीं पहले हम लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट निकालना चाहिए तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इक्वल टू फिक्स हो जाएगा खुद से लिख के भी तुम लोग कर सकते हो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इक्वल टू फिक्स हो जाएगा यहाँ से निकाल लेंगे ना क्योंकि फिक्स कॉस्ट हर जगह सेम रहेगा तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस निकाल लेंगे प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट को माइनस करने से फिक्स कॉस्ट हो जाएगा ये यह देखो तो यहाँ फिक्स कॉस्ट हाँ ट्वेंटी थाउजेंड फिक्सड कॉस्ट होगा अच्छा अब कंट्रीब्यूशन कितना होता है कंट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ पर ये देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से होगा सेल्स है टू लैख अगर हम लोग पहला वाला ही लेते हैं टू लैख कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज तो है हम लोगों के पास जो पी वी रेशियो है वो तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज ही बताता है ट्वेंटी परसेंट कंट्रीब्यूशन है ट्वेंटी परसेंट ऑफ वट सेल तो टू लैख का कितना होगा माइनस इसका प्रॉफिट कितना है ट्वेंटी थाउजेंड तो ये कितना हो जाएगा टू लैख इंटू ट्वेंटी परसेंटी थाउजेंड हाँ माइनस ट्वेंटी थाउजेंड तो फोर्टी थाउजेंड और ये माइनस ट्वेंटी थाउजेंड तो ये हो गया ट्वेंटी थाउजेंड अब ये सही है कि नहीं तुम लोग दूसरे वाले में भी चेक कर सकते हो थ्री लैख का ट्वेंटी परसेंट करो यहाँ पर भी चेक थाउजेंड हाँ थ्री लाख का ट्वेंटी परसेंट सिक्सटी थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड प्रॉफिट हाँ तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड का फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है इससे प्रूफ भी हो गया फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगा अब अगर हम लोग को फिक्स्ड कॉस्ट पता चल गया है तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना प्रॉफिट होगा तो वन लाख प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर वन लैख एटी थाउजेंड सेल्स इज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अब फिर से वही वाला इक्वेशन लिखते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट ठीक है इक्वल टू होता है प्रॉफिट सेल पता है 1, 80, 000, अच्छा फिक्सेंड एक काम करते हैं कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन माइनस ट्वेंटी इक्वल टू प्रॉफिट अब इससे बेनिफिट क्या होगा हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे सेल के ऊपर वन लैख एट्टी थाउजेंड इंटू कितना करना पड़ेगा ट्वेंटी परसेंट माइनस ट्वेंटी थाउजेंड इक्वल टू हो जाएगा अच्छा थर्टी सिक्स थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंडर प्रॉफिटीन थाउजेंड हो जाएगा ठीक है प्रॉफिट हो जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड तो ये अब अगर काटना चाहते हो काटो वैसे ये पीवी रेशियो वाला पॉइंट तो जरूर जरूरत होगा ठीक है बाकी इसका फिलहाल जरूरत नहीं लगा ठीक है यह भी प्रोसेस है लेकिन एक ही बात है इससे लेंदी हो जाएगा फिर से ऐसे ही करना पड़ेगा हम लोगों को और दूसरा वाला आंसर जो है कि अगर प्रॉफिट फिफ्टी थाउजेंड है तो सेल कितना होगा अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर प्रॉफिट नहीं ऐसे लिखते सेल्स अमाउंट ऑफ सेल्स टू तो अर्न प्रॉफिट फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो कितना अमाउंट ऑफ सेल करना पड़ेगा ठीक है तो इसका एक फॉर्मूला होता है ठीक है फॉर्मूला ऐसा है फॉर्मूला समझा देते क्यों ऐसा है डिजायर्ड प्रॉफिट सेल्स रिक्वायर्ड फॉर desired profit equal to fixed cost plus desired profit divided by PV ratio ये फॉर्मूला क्यों होता है देखो बता सकते हो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी कि डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं कि इतना होना चाहिए इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया वैसे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है अभी अभी तुम लोगों ने यहाँ पर देखा हो कंट्रीब्यूशन ठीक है इसको हम लोग सब्सिट्यूट कर देते हैं कंट्रीब्यूशन से तो इसका मतलब हो गया कंट्रीब्यूशन तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स एक बार हम हंड्रेड नहीं लगा रहे नहीं लगाने से क्या होगा परसेंटेज में आंसर नहीं आएगा अब इसको अगर हम लोग रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन इन सेल बाय कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं अब कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो गया तो बचा क्या सेल्स तो हम लोग का आंसर किस चीज का चाहिए आंसर क्या चाहिए सेल्स ठीक है इसीलिए ये वाला फॉर्मूला होता है कि कितना सेल हमें करना है ताकि हम लोग डिजायर्ड प्रॉफिट को अर्न कर पाए तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि कितना हम लोगों को कंट्रीब्यूशन चाहिएगा ठीक है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो करेंगे तो सेल पता चल जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट तो कैलकुलेट कर लिया था पहले फिक्स्ड कॉस्ट कितना था ट्वेंटी थाउजेंड ये तो हर लेवल पे उतना ही रहेगा तभी तो फिक्स्ड होता है डिजायर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा फिफ्टी थाउजेंड है पीवी रेशियो 20 परसेंट 20 परसेंट 3 लाख 50,000 3 लाख 50,000

पीवी अगर दो पीरियड का दिया हुआ है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना चाहिए चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू हंड्रेड तो ये और ये माइनस करो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड वन लैख सेवेंटी माइनस वन लैख फिफ्टी इंटू हंड्रेड देखो कितना होता है फाइव थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड इंटू हंड्रेडीटी फाइव परसेंट बीपी बीपी कुछ नहीं बोला है तो ऑब्वियसली इन वैल्यू में आंसर निकालना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा पीवी रेशियो तो तुम पहले फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया कोई भी एक फॉलो करके हम लोग निकाल सकते हैं से ठीक है तो फिक्स्ड कॉस्ट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू हो जाता है कंट्रीब्यूशन अभी अभी लिखा था हम लोगों ने यहाँ से देख के एक बार लिख लेते फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट तो कोई भी एक Year ले लेते अगर 2014 ही ले लेते कंट्रीब्यूशन वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का सेल है और अगर पीवी पच्चीस रुपए सौ रुपए सेल पे तो डेढ़ लाख पे कितना होगा माइनस प्रॉफिट ट्वेंटी थाउजेंडीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब यहाँ पर बीपी निकल जाएगा 17,500 डिवाइडेड बाई 25 परसेंट 70,000 रुपीस 70,000 ये हो गया बीपी इन वैल्यू रुपीस 17,000 अच्छा द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000 40,000 प्रॉफिट के लिए कितना सेल का जरूरत होगा निकालो लग 40000 अभी तो किया ही था कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना हो रहा है मैम क्या 40000 प्रॉफिट के लिए कितना सेल्स हम्म तो ये 40000 प्रॉफिट के लिए कितना सेल होगा अभी सीखा था हम लोगों ने प्रोसेस 230000 हम्म करेक्ट उसके बाद वाला भी देख लो प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 250 प्रॉफिट कितना होगा अगर सेल्स 250 है पॉइंट थ्री करके दिखा रहे सेल्स टू अर्न प्रॉफिट रुपीज फोर्टी थाउजेंडी था सेल्स कितना था एक सेकेंड सेल्स था नहीं, नहीं ये हाँ सेल्स टू लैख फिफ्टी था हाँ अच्छा यहाँ पर सेल्स टू अर्न मतलब डिजायर प्रॉफिट वाला तो क्या हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अभी हम लोगों ने सीखा ना फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो तो रेशियोजेंड प्रॉफिट कॉस्ट आया सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हम लोगों ने कैलकुलेट किया ठीक है अच्छा पीवी रेशियो है ट्वेंटी फाइव परसेंट डिजायर प्रॉफिट है फोर्टी थाउजेंड तो कितना आंसर आ रहा है देख लो सेवेंटीन थाउजेंड फाइव का का अगर सेल करेंगे, तो हम लोग प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था कि प्रॉफिट कितना होगा अगर सेल टू लैख फिफ्टी है तो प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ठीक है यानी टोटल कॉस्ट तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कर देते फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा कितने सेल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है दो लाख पचास हजार तो दो लाख पचास हजार पे पच्चीस परसेंट कंट्रीब्यूशन यानी अमाउंट में निकल जाएगा माइनस सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो फोर्टी फाइव थाउजेंड ये आ रहा है फोर्टी फाइव थाउजेंड अच्छा पॉइंट नंबर मार्जिन आज ही हम लोगों ने देखा कि हम लोग प्रॉफिट जो है उसको कैसे रिकवर कर रहे हैं ठीक है प्रॉफिट को कैसे रिकवर कर रहे तो प्रॉफिट कितना है टोटल प्रॉफिट क्या देखा था टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पहला फॉर्मूला ये कंट्रीब्यूशन ठीक है ये करने से तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट निकल जाएगा अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन के जगह पीवी रेशियो लगा देते हैं तो हम लोगों को रुपीज में आंसर मिल जाएगा ठीक है तो टोटल प्रॉफिट कितना बोला है फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड कंट्रीब्यूशन पच्चीस परसेंट टू लैख रुपीज में आ जाएगा आंसर और नेक्स्ट बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द टू पीरियड्स दोनों पीरियड का वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो वेरिएबल कॉस्ट फॉर दो पीरियड क्या-क्या है 2014 15 तो वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2014 और वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2015 तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे सेल कितना है 1 लाख 50 ठीक है अगर हम लोग का कंट्रीब्यूशन अगर 25% परसेंट है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा कंट्रीब्यूशन 25% परसेंट का मतलब कंट्रीब्यूशन 25 सेल 100 तो 75 क्या होगा अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं कंट्रीब्यूशन तो होता है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा अगर पच्चीस रुपया कंट्रीब्यूशन है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा पच्चीस उजेंड फाइव हंड्रेड तो हम लोग को कित क्या करना पड़ेगा सेवेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो वन लाख सेवेंटी थाउजेंड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड

फिक्स्ड कॉस्ट कितना है फिक्स्ड कॉस्ट है सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस प्रॉफिट कर लेंगे है 20, तो भी हम को मिल जाएगा, है? नहीं तो ये कंसेप्ट क्या है काम में आ जाएगा कहीं और जगह पे अगर डिटेल्स ना हो तो कंट्रीब्यूशन और आ, ऐसे लिंक होता है ना शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर पच्चीस कंट्रीब्यूशन है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा सेवेंटी इसको मैंने दो एनालिस दिखाया भी था एक था सी बी एनालिस कॉस्ट वॉल्यूम एनालिस एक प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिस ये लिंक बताया था ठीक है तो ये लिंक हमें याद रखना है अगर डिटेल्स नहीं होगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे बस यही वाला लास्ट कर लेते क्वेश्चन नंबर एट देखो एसबी लिमिटेड मल्टी प्रोडक्ट कंपनी फर्नीचर यू द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर 2015 सेल्स दे रखा है फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ

ठीक है पीवी रेशियो निकालने बोल रहा है तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू हंड्रेड करके निकाल सकते हैं ठीक है थीके? दो पीरियड का दे रखा है दो साल का दे सकता है दो पीरियड का दे सकता है पीवी रेशियो तो कैलकुलेट करो चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे प्रॉफिट गिवन नहीं है तो निकाल सकते सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कर दो प्रॉफिट पता चल जाएगा पहले वाले का प्रॉफिट कितना आ रहा है पांच हाँ, हजार दूसरे वाले का सात हजार ठीक है तो सेवन थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड चेंज इन प्रॉफिट चेंज चेंज इन सेल। सेल कितना होगा फिफ्टी और फोर्टी फाइव? हम पीवी फाइवी फोर्टी परसेंट हाँ तो ये हो गया टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव थाउजेंड इन हंड्रेड फोर्टी परसेंट पीवी रेशियो कैलकुलेट हो गया पॉइंट टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस फिक्स्ड कॉस्ट सेम उसी तरह से निकालेंगे कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट करके ठीक है तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे सेल्स फोर्टी फाइव थाउजेंड तेरह हजार है क्या फिक्स कॉस्ट हाँ तेरह हजार प्रॉफिट कितना आया था ये पहले वाले का सात हजार सात ना पांच आया था पाँच पहल, पहला लिया है मैंने डेटा तो पांच ही लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने फोर्टी फाइव थाउजेंड लिया है ना अगर हम सात ले लेंगे तो गलत हो जाएगा या फिर पचास हजार लेना चाहिए अच्छा तो ये कितना होता है फोर्टी फाइव थाउजेंड इंटू फोर्टी परसेंट अट्ठारह हजार माइनस पाँच हजार तेरह हजार फिक्स कॉस्ट ठीक है अच्छा तेरह हजार ये एक पीरियड का, का हुआ यहाँ पर क्या बोला था पॉइंट देखो देर इज नो चेंज इन प्राइजेस एंड वेरिएबल कॉस्ट दैट द आर इनकट इक्वली इन टू हाफ पीरियड तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होगा एक पीरियड का तो हम लोगों ने निकाला थर्टीन थाउजेंड इक्वली है दोनों पीरियड का बोल रहा है इक्वली इन द टू हाफ ईयर पीरियड तो बोलो कितना होगा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होगा ये तो एक पीरियड का हुआ टोटल फिक्स कितना होगा अगर इक्वली दोनों पीरियड में ट्वेंटी थाउजेंड तो टोटल ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ये पूछा है क्वेश्चन में ब्रेक इवन सेल्स थर्ड पॉइंट ब्रेक इवन सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट अगर ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लगाएंगे टोटल यही होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो पीवी रेशियो कितना है 45. 40 परसेंट ये पूरे पीरियड का है देखो दोनों पीरियड का हम लोगों ने ले रखा है ना 40 परसेंट तो ये कितना हो जाएगा 65,000 65,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी फोर्थ परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हम लोग पहले अमाउंट निकाल लेते हैं ठीक है और एक्चुअल से माइनस कर देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल कितना होगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें पहले एमओएस को कैलकुलेट कर लेते हैं एमओएस हो जाएगा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स ठीक है तो ब्रेक इवन सेल्स हो रहा है सिक्सटी फाइव थाउजेंड टोटल पीरियड का टोटल पीरियड का एक्चुअल सेल्स फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टी कितना हो जाएगा नाइनटी 5,000 माइनस 65,000 तो MOS कितना हो गया? 30,000 ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज बोला है। 30,000 अगर सेल करेंगे MOS में पहुंच जाएंगे। आउट ऑफ 95,000 into 100 कितना आएगा? 31.58 परसेंट आ रहा है। 31.58 परसेंट आ रहा है। ठीक है? बस इतना ही करते हैं आज बाकी ये पीडीएफ हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे जो भी क्वेश्चन तुम लोगों से बन सकता है यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैंने पहले ही बोला था सी एस सी एस सी एम एस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है तो इसमें क्वेश्चन काफी सारा है इसलिए थोड़ा टाइम लेके ही करवाया मैंने ज्यादा टाइम लिया नहीं तो कम्पलीट नहीं होगा तो ये हम दे देंगे शेयर कर देंगे तुम लोगों से जो भी क्वेश्चन बनता है बना सकते हो ठीक है